हेलो फ्रेंड, जे एस होम डी एन सिविल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20x45 का पश्चिम मुखी घर का नक्शा, और वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई है 20 फीट यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी लंबाई है 45 फीट यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर फ्रंट साइड, इधर यहाँ से आपका मेन गेट लगेगा, इधर आपका एक छोटा सा पार्किंग एरिया। इसका साइज है 6 फीट 6 इंच, इधर भी 3 फीट 3 इंच, इस तरह भी 3 फीट 3 इंच, ठीक है। इधर सीढ़ी ऑफ होगा यहाँ से, यहाँ लैंड, यहाँ पर आपका मेन डोर लगेगा। इसका साइज है 3 फीट 6 इंच, इधर है 10 फीट। आगे जाते हैं यहाँ पर हॉल, इसका साइज है इस तरह 10 फीट 6 इंच, इस तरह 25 फीट, इस तरफ 7 फीट 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। इधर आपका डोर D1, इसका पर टॉयलेट एंड बाथ, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 3 फीट 6 इंच, इधर इधर 10 फीट इधर, ठीक है। इस तरफ एक वेंटिलेशन, इधर आपका बेडरूम, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 10 फीट का बेडरूम है ये। इस तरफ एक विंडो है, इधर टॉयलेट एंड बाथ, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 4 फीट 6 इंच हुआ, 7 फीट का, ठीक है। इस तरफ एक वेंटिलेशन है, इधर दूसरा बेडरूम, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज भी सेम की गई है 10 फीट हुआ, 10 फीट का। इस तरफ एक विंडो है, इधर किचन, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 9 फीट बाय 10 फीट का, ठीक है। इस तरफ एक विंडो और इस तरफ एक विंडो है, इधर एक, और यहाँ पर आप पूजा रूम बना सकते हैं, क्योंकि ईशान कोण है और यहाँ पर पूजा रूम सही माना जाता है वास्तु के अनुसार। इस तरफ विंडो है, इधर कलम, जहाँ पर भी टिक, और जहाँ पर भी ब्लू कलर का टिक दिख रही है वहाँ पर कलम लगी हुई है। इस नक्शा का आउटसाइड और इनसाइड वॉल 10 इंच का है, ये वॉल 5 इंची का है। दोस्तों, अगर इस घर का नक्शा आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।